एक नई वीडियो अबाउट न्यू थिंग्स गोना शूट सून। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मीनाक्ष रावत और आप देख रहे हैं मीनाक्ष रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी काफी अच्छे होंगे। मैं भी काफी ज्यादा बढ़िया हूँ। तो बस आज अभी मैंने सुबह से क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट्स के लिए, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी और उसमें बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पांस मिलता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ी थोड़ी सफल हो रही है कहीं ना कहीं। और बस वही मैं कुछ कर रही थी, मतलब उसका मैं रिकॉर्ड करी, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन है जिसके साथ में मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो या तो मैं फिर वो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकती हूँ और या फिर मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर सकती हूँ, व्लॉग्स यानी कि। पर मेरी मम्मी को पर्सनली ये लगता है कि मेरे व्लॉग्स उनको ज़्यादा सही लगते हैं कि डेली व्लॉग्स बनाया कर, और जो कि मैं बना नहीं पाती हूँ, उनको डेली व्लॉग्स ज़्यादा ठीक लगते हैं। वो देखना पसंद नहीं करती हैं मेरी बाकी वीडियोज़, जो भी हॉल वीडियोज़ या स्किन केयर हेयर केयर, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको पसंद नहीं आती है मेरी ये वीडियोज़। क्योंकि हॉल वीडियोज़ में तो उनको ये लगता है कि मैं पैसे खर्च कर रही हूँ और उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, सामान मंगा रही हूँ मैं तो बस उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसलिए उन्हें वो अच्छी नहीं लगती हैं। और हेयर केयर और स्किन केयर के लिए वो बोलती हैं कि तू अपना ही करती रहती है, हमारा तो करती नहीं है, तो इसलिए अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें। तो डेली व्लॉग्स में उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ हो जाता है, सब लोग उन्हें दिख जाते हैं आसपास के। तो वो सुबह उठते ही मेरी मम्मी काम वाम करने के जैसी फ्री होती हैं तो मेरे व्लॉग्स देखती हैं सबसे पहले। तो वो उनको ये लगता है कि व्लॉग नहीं डाला आज सुबह, मतलब मेरी मम्मी तक भी मेरे को बोल दिया आज व्लॉग नहीं डाला, आज व्लॉग नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं बनाई, कल क्या कर रही थी, फिर हमें तो लगा व्लॉग बना रही है। तो मतलब मेरी मम्मी का ऐसा चलता है। तो अब देखते हैं आज के दिन क्या क्या चल रहा है। अभी तक मैं अभी अपने शॉर्ट्स वगैरह की वीडियो ही रिकॉर्ड करी है, एडिटिंग करी है, स्पेस नहीं होता है, फ़ोन का फुल हो चुका है स्पेस, मैं दिखा नहीं सकती आपको, मेरे फ़ोन का फुल स्पेस हो चुका है, वीडियो रेंडर नहीं होती है एडिट करने के बाद में, क्योंकि स्पेस नहीं होता है फ़ोन में। कितना सारा वीडियो बना के रखूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस जो हेयर केयर वगैरह की होती है वो मुझे पहले ही बना के रखनी पड़ती हैं ताकि उसके जो रिजल्ट्स हैं मैं आपको दिखाऊं, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा मुझे इश्यूज़ होते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दिखाती हूँ अब आगे क्या क्या होता है, बहुत बक बक कर ली मैंने। स्टे ट्यून्ड। ऋतु के लंबे और घने बालों का राज है ये एलोवेरा, जो मैं अभी लगाने जा रही हूँ, बताओ जो अभी लगाने, जो मैं अपने बालों में एक्सपेरिमेंट। मेरी चाची के भी घने बालों का राज यही है, ये काफ़ी समय से लगा रही है, मैंने तो अभी लगा रही हूँ, बट मेरी चाची तो काफ़ी समय से लगा रही है इसको एलोवेरा को। मेरी चाची के बाल बोलना उलझ जाते। नहीं नहीं, घने बाल हैं आपके, अच्छे बाल हैं। और चाची के ये जो ग्लो आ रहा है फेस में आजकल, इसका भी राज यही है, बड़ा एलोवेरा लगाते हैं अपने फेस में। पर जिसको कोल्ड हो जाता है वो लोग कृपया एलोवेरा ना लगाएं, क्योंकि ये ठंडा होता है, एक बार लगा के जरूर देखें। और चाची यहाँ पे मिर्च सुखा रही हैं, ये साबुत लाल मिर्च, और सर पे मेहंदी लगा रखी है इन्होंने, शायद से मेहंदी है ना, मेहंदी भी लगा रखी है। इनका भी हेयर केयर चल रहा है, एक चाची का एलोवेरा केयर चल रहा था हेयर केयर वो एलोवेरा लगा रही थी सुबह, और एक चाची की लग रही है मेहंदी, और ये साबुत मिर्च को सुखाने डाला हुआ है, अब इसको पिसा के फिर ये वाली मिर्च यूज़ करेंगे खाने में। कड़कड़ी नहीं दिख रही थी ना, सीली सीली सी है अभी हल्की हल्की, देखिए चटक धूप थी। हाँ धूप तो बहुत तेज आ रही थी, कल और सुखाऊंगी और तब पीसूंगी, उसी में पीस देती, मिक्सी में जल्दी पीस जाती। घर पे पीसते हो? हाँ। तो ये देखो स्वाद होती है पीसी मिर्चें, घर पे सुखाई है पीसी और खाई है तो यहाँ पे बन रही है फिश, फिश फ्राई कर रहे हैं पापा, और ये फिश कुछ वाली फ्राई करके रख चुके हैं, फिश करी बनने वाली है आज, और ये पापा बना रहे हैं क्योंकि पापा बहुत अच्छी सी फिश करी बनाते हैं, तो पापा यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे ये करके रखा हुआ है मसाला वसाला लगा के, और यहाँ पे फ्राई हो रही है, और ये फ्राई हो चुकी हैं, और ये हैं हमारे शेफ ऑफ द डे, आज बना रहे हैं खाना। चलो हाय बोल दो। चाय का टाइम हो गया है तो पापा को चाय दे के आ जाते हैं, पापा बहुत काम कर रहे हैं ऊपर, तो पापा को चाय दे के आते हैं फटाफट से।
पापा हो लो चाय। आप बहुत मेहनत कर रहे हो इसलिए आपके लिए चाय। अच्छा ये बनाई थी। और ये हमारे घर के कलाकार बच्चे जो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। दिखाओ ये बनाया था। ये देखो स्पाइडरमैन बनाया हुआ है इसने। और बता हटना हाथ हटाना। और ये गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में उसने गणेश जी बनाए हुए हैं। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू माय यूट्यूब फैमिली। बोलो हैप्पी गणेश चतुर्थी। बोलो सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। यहाँ पे नीचे भी लिख दियो हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये प्रशांत ने बनाई है बहुत ही प्यारी सी ड्राइंग। इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ड्राइंग करने में। इसको बनना है एम एफ हुसैन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और ये आ चुकी है घूमने जाने के लिए। घूमने नहीं जाना। इसको एक चीज़ लेनी है जो इस पर पड़ेंगी वो हम बताएंगे अभी आगे जाके आपको पता चलेगा कि उसको क्या चीज खरीदनी है जो इसके पढ़ने वाले हैं। और मुंह पे इसके दाना हो रहा है क्योंकि ये मेरे स्किन केयर को फॉलो नहीं कर रही है लगाना पसंद नहीं है इसलिए अगर मेरे स्किन केयर को फॉलो किया जाए तो आपकी स्किन एकदम चमकदार बन सकती है। बट आप फॉलो नहीं कर रही हैं तो ये इस वजह से ठुकेंगे। और ये सामने से आ रहा है हीरो एकदम पता नहीं कहाँ से आ रहा है। और ये ऊपर से कर रही है बस ये और ये रे चाचा जी दुकान में है वो धो रहे हैं वो पूछ रहे हैं। आपको कुछ भी पेंट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं इनकी शॉप से। मेरे नाम पे लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है दोगे डिस्काउंट। ठीक है प्रिंट रेट में 2% का डिस्काउंट। सुचिता रावत को लेनी है चप्पलें अपने लिए। आंटी नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। और आंटी बैठी है यहाँ पे पहले से ही ले रहो। हाँ ले रहो चप्पलें। जूता ले रहे हैं। अच्छा ये वाला टी शर्ट लोवर में चप्पल पहन के फाइनली सुचिता रावत ने ले लिए वो चीज जो इनके पढ़ने वाली है यानी कि चप्पलें। तो आ चुकी है सुचिता रावत शॉपिंग करके। मेरा तो काम हुआ नहीं शॉपिंग नहीं हुई मतलब चप्पलें लेनी थी इसको चप्पलें अपने ले कुत्ता बोलने क्या कर लिए वो मम्मी। तो अभी जा रहे हैं हम घर वापस। तो घूम फिर के मैं और शानू घर आ चुके थे और उसके बाद में मतलब आगे थोड़ी देर हो चुकी है। घर आके गप्पे वप्पे मारी वो बता रही थी कि स्कूल में क्या हुआ और कल से उसकी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर रही है न्यू ट्यूशन क्लासेस तो उसके बारे में बता रही थी। और बस यही सब कुछ गप्पे शप्पे मारी हमने और बस घूम के आए। उसके बाद में थोड़ा सा वॉक पे गए थे क्योंकि घर से निकलना मेरा थोड़ा कम ही होता है तो गए थे बाहर। तो हमने सोचा थोड़ा वॉक पे चले जाते हैं तो वॉक पे गए थे। उसके बाद में घर आए घर पे आके गप्पे शप्पे मारी फिर अभी वो चली गई है। और बस अब मैं बैठ के एडिटिंग करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियोस एडिट करनी है। बस इतना सारा पड़ा हुआ है ना वीडियोस मुझे एडिट करनी है। अभी मुझे शॉर्ट वीडियो एडिट करनी है जो YouTube शॉर्ट अपलोड करना है वो एडिट करना है फिर उसके बाद में उसका वॉइस ओवर करना है और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बहुत एक्टिक हो जाता है। फिर मेरा अपना खुद का काम रहता है तो वो करना रहता है और अभी फिर ये व्लॉग भी मुझे एडिट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी वो सब करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको कल नई वीडियो नए व्लॉग के साथ में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसका गाइस कुछ भी नहीं। रोड है लोग चल रहे हैं हॉर्न बजाए जा रहे हैं पता नहीं इतना हॉर्न लोग बजाते क्यों हैं बट हॉर्न बजाते रहते हैं तो बस इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बाकी आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें क्या मीनाक्षी रावत ब्लॉग्स। बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल अनियो।